नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज अब तक की कुछ बड़ी अपडेट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। क्वारंटीन सेंटरों में अब रहने के लिए देना होगा शुल्क। राशन डिपो और SMC के माध्यम से विद्यार्थियों को पहुँचाए जाएंगे नोट्स। घर के नज़दीकी परीक्षा केंद्र चुने। 50 सबसे उम्दा विधायकों को चुना गया है देश भर में, तो उसमें हिमाचल के 3 MLA का नाम भी है। तो वे कौन कौन से, तो ये भी अपडेट आपके लिए जानना जरूरी है। तो जी कुछ अपडेट्स हैं जो आज, कुछ बड़ी अपडेट्स हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जान लेना जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कोरोना सरकारी संस्थागत क्वारंटीन केंद्र में निःशुल्क रहना खाना बंद। तो पूरी अपडेट क्या है, हिमाचल के हमीरपुर जिले के सुजानपुर उपमंडल के संस्थागत क्वारंटीन सेंटरों में अब मुफ्त में रहने और खाने की सुविधा बंद कर दी गई है। ऐसा करने वाला जे जिले का पहला उपमंडल होगा। अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वाले लोगों को अब अपने खर्च पर संस्थागत क्वारंटीन होना पड़ेगा। सुजानपुर प्रशासन ने बाकायदा इसके लिए दरें भी निर्धारित कर दी हैं। अगर व्यक्ति प्रशासन की देखरेख में क्वारंटीन होना चाहता है तो उसके लिए भी दरें निर्धारित की गई हैं। अगर कोई अपने स्तर पर किसी होटल या अन्य स्थान पर रहना चाहता है तो उसका खर्चा उस व्यक्ति को खुद वहन करना होगा और दरें भी खुद निर्धारित करनी होगी। सुजानपुर उपमंडल में अभी जो भी कोई बाहर से आ रहा था उसे प्रशासन निःशुल्क रहने खाने की सुविधा दे रहा था, लेकिन अब इसका शुल्क लिया जाएगा। शहर के दोनों विश्राम गृह में रहने की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही थी। अगर कोई अपने स्तर पर होटल या अन्य जगह रहना चाहता था तो वे उसका खर्चा खुद वहन कर रहा था, लेकिन अब अगर आप सरकारी क्वारंटीन सेंटर में भी अगर आपको क्वारंटीन किया जाता है तब भी आपसे शुल्क लिया जाएगा। और शुल्क क्या निर्धारित किया गया, तो प्रतिदिन के हिसाब से एक व्यक्ति के लिए 550 रुपये दर निर्धारित की है प्रतिदिन। इसमें 400 रुपये कमरे का किराया और 150 रुपये प्रतिदिन भोजन का लिया जाएगा। और देखिए, ऐसे भी कहा गया है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उससे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ये नए दरें निर्धारित की गई हैं, तो अब आपका शुल्क लगेगा अगर आप क्वारंटीन सेंटर में भी, अगर आप सरकारी क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन होना चाहते हैं तो। घर के नज़दीक परीक्षा केंद्र चुनने को लोक सेवा आयोग ने मांगे आवेदन। तो पूरी खबर क्या है, HAS तहसील कल्याण अधिकारी, सहकारी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर और नगर निकायों में कार्यकारी अधिकारी और सचिव की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए लोक सेवा आयोग ने घर के नज़दीक बाले परीक्षा केंद्र चुनने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग की वेबसाइट पर इस बाबत लिंक अपलोड हो गया है। 7 दिन के भीतर अभ्यर्थी इस लिंक के माध्यम से अपने परीक्षा केंद्र बदलवा सकेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण सुविधा आपको दी जा रही है। नहीं तो आपको पता कि जो भी HPPSC के द्वारा परीक्षाएं ली जाती हैं तो उसका डिस्ट्रिक्ट में एक या सिर्फ दो जगह ही परीक्षा केंद्र होते हैं, लेकिन अब आप अपने घर के पास भी परीक्षा केंद्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोरोना के चलते जो ऐसा डिसीजन लिया गया है, कोरोना संकट को देखते हुए लोक सेवा आयोग ने सितंबर और अक्टूबर में होने वाली भर्ती परीक्षाओं के केंद्र जिला मुख्यालय और उपमंडल स्तर पर बनाने का फैसला लिया है। किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला को छोड़कर अन्य सभी जिला मुख्यालय और उपमंडल मुख्यालयों में परीक्षाएं ली जाएंगी। घर के नज़दीक परीक्षा केंद्र चुनने के लिए अभ्यर्थी को आगामी 7 दिन के भीतर आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से 2 परीक्षा केंद्रों का विकल्प देना होगा, यानी कि 2 परीक्षा केंद्रों का विकल्प आप दे सकते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, 7 दिन है आपके पास। तो देखिए अगली खबर है कि देश के 50 सबसे उम्दा विधायक, हिमाचल के 3 MLA का नाम भी लिस्ट में। तो कौन कौन से वो हिमाचल प्रदेश के 3 विधायक हैं, तो देखिए देश भर से 50 उम्दा विधायक चुने गए हैं। ये सर्वे एक एजेंसी फेम इंडिया ने एशिया पोस्ट 50 उम्दा विधायक सर्वे 2020 के तहत किया गया है। फेम इंडिया के द्वारा जो 50 सर्वे किया गया था तो 50 देश के उम्दा विधायकों को चुना गया। तो हिमाचल प्रदेश के 3 विधायक कौन से हैं, तो सीधा हम उस बात पर आते हैं। तो देखिए अलग अलग श्रेणियों में चुना गया। तो हिमाचल के अगर मैं बात करूं क्षमतावान श्रेणी में, तो सुखविंदर सिंह सुखू जो कि नादौन विधानसभा से MLA हैं, तो एक तो जे हो गए। दूसरे कुशल प्रबंधन के लिए प्रकाश राणा को चुना गया, जोगिंदर नगर हिमाचल प्रदेश से जे हैं। बेहतर के लिए विशाल नेहरिया, देखिए जो अलग अलग श्रेणियाँ बनाई गई हैं, बेहतर, कुशल प्रबंधन, ऐसे कर कर, तो विशाल नेहरिया धर्मशाला विधानसभा से MLA हैं हिमाचल प्रदेश। तो जे 3 MLA को सर्वश्रेष्ठ, यानी कि इन्हें जो हिमाचल प्रदेश में बेहतर उम्दा विधायक सर्वे किए गए, उन 50 में से जो हिमाचल प्रदेश के 3 विधायक भी शामिल है। तो जो एक क्वेश्चन भी बन सकता है आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो देखिए अब हम बात करेंगे
राशन डिपो और एसएमसी के माध्यम से विद्यार्थियों को पहुंचाए जाएंगे नोट्स। देखिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लेकर आए हैं वो सारी महत्वपूर्ण है। स्मार्ट मोबाइल फोन ना होने और कमजोर नेटवर्क के कारण पढ़ाई बंद ना हो, इसके लिए विद्यार्थियों तक राशन डिपो और एसएमसी के माध्यम से नोट पहुंचाए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जरूरतमंद बच्चों तक शिक्षण सामग्री पहुंचाने को उच्च शिक्षा निदेशालय ने कमर कस ली है। नज़दीक रहने वाले बच्चों के घरों में शिक्षक खुद भी नोट्स देंगे। पंचायत घरों तक भी नोट्स पहुंचाने की योजना बनाई गई है। नोट्स बनाने के लिए वीरवार से शिक्षकों को स्कूल में बुलाना शुरू कर दिया गया है। प्रिंसिपल और हेडमास्टर जरूरत के हिसाब से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए विषयवार शिक्षकों को स्कूल में बुलाएंगे। स्कूल में नोट्स तैयार कर इन्हें बच्चों तक पहुंचाने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने दिशा निर्देश तैयार किए हैं। अगर कोई विद्यार्थी काफ़ी दूर रहता है तो उसके गांव के राशन डिपो तक नोट्स पहुंचाए जाएंगे। अभिभावक को फ़ोन कर इसकी सूचना दी जाएगी। अगर कोई अभिभावक स्वयं स्कूल आकर नोट्स लेना चाहता है तो उन्हें भी ये सुविधा दी जाएगी। अगर स्कूल के नज़दीक बच्चा रहता है तो उसे शिक्षक घर जाकर नोट्स देंगे। बच्चों की पढ़ाई की 1-2 दिन बाद समीक्षा भी की जाएगी। शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले और नज़दीक के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के घरों में जाकर उनकी समीक्षा करेंगे। बच्चों और अभिभावकों से बातचीत के आधार पर रिपोर्ट बनाकर निदेशालय भेजी जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि स्मार्ट मोबाइल फोन से वंचित और कमजोर नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए नोट्स देने का फैसला लिया गया है। तो अब किसी भी तरह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। तो ये कुछ डिसीजन लिए गए हैं। राशन डिपो में अब राशन तो मिलेगा ही मिलेगा, तो वहाँ पर अब आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए नोट्स भी दिए जाएंगे। पंचायत घरों में भी नोट्स दिए जाएंगे। कोई खुद स्कूल जाकर अगर नज़दीक है तो खुद वहाँ स्कूल से नोट्स कलेक्ट कर सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। आई होप ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी, जे वीडियो आज की महत्वपूर्ण लगी होगी, तो इस जानकारी को जैसे शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह की महत्वपूर्ण अपडेट आगे भी आती रहेंगी हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।